नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम सैंडविच बनाना बताएंगे। तो इसके लिए हमने धनिया पत्ता ले लिया है, पत्ता गोभी ले लिया है, एक आधा प्याज ले लिया है, हरा मिर्चा, शिमला मिर्चा, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमने घी ले लिया, हरा चटनी या केचप, और 6 ब्रेड ले लिए। अब हम गैस जला के कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया, इसमें हम जीरा डाल देते हैं। उसके बाद हम शिमला मिर्चा, हरा मिर्चा, उसके बाद प्याज, उसके बाद पत्ता गोभी, लहसुन, अदरक का पेस्ट। अब इसे हम भून लेते हैं। इसके बाद हम नमक डाल देंगे, हल्दी, उसके बाद जीरा पाउडर और चाट मसाला। उसके बाद हमने 3 आलू ले लिया है, इसे हमने उबाल कर इसे हम मैश कर लिए हैं। अब इसे हम डाल देते हैं। अब इसी में हम आलू के साथ इसे हम भून लेंगे। अब इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसे मिला लेते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। और इस पर तवा गर्म होने के लिए रख देंगे। अब इसमें हम थोड़ा घी लगा लेंगे। आपका अगर आपको घी पसंद ना हो तो बटर लगा सकती हैं। इसमें केचप लगाएंगे और इसमें और इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर, और थोड़ा घी डालेंगे। इसे हम भी पलट देंगे।
बटर से अच्छा है, ये देसी घी डालने से एकदम मज़ेदार लगता है खाने में। ये मेरा बनकर तैयार हुआ। गैस बंद करेंगे और इसे हम दो भाग में काटेंगे। ये मेरा सैंडविच बनकर तैयार हुआ और इसे आप लोग भी बनाइए और नाश्ता और टिफिन में दीजिए बच्चों को। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।